शहर में रोड सेफ्टी सप्ताह के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के अतिरिक्त कई अन्य संस्थाएं भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक नजर आई। हर दिन कोई न कोई राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक व एनजीओ इस मुहिम में अपना अपना दायित्व निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसी प्रकार से चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल सेक्टर 8 के बच्चों व अध्यापकों को फ्यूचर जनरली कंपनी की तरफ से ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। उन्हें बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाने के निर्देश भी दिए गए। आज हम लोगों ने एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जो बच्चों को समझाने के लिए कि सड़क सुरक्षा कैसे हम कर सकते हैं। दिस इज़ द ट्रैफिक वीक। ट्रैफिक वीक चल रहा है 23 तारीख से 30 तारीख तक। तो यहाँ पे हमने बच्चों को समझाया, जो बच्चे स्कूल अपना व्हीकल लेके आते हैं वो हेलमेट लगा कर आएँ, रेड लाइट क्रॉस ना करें, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुके, फ़ोन पे बात ना करें और ईयरफोन का यूज़ ना करें। तो ये चीज़ें उनके काफ़ी काम आ सकती हैं सड़क सुरक्षा करने के लिए। स्कूल के पास से अगर आप तेज़ गाड़ी लेके जाते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। उन्हें समझाया गया कि भाई स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास और किसी गांव के पास से आप धीरे से गाड़ी को निकालें। देखिए, एक सबसे बड़ा, अगर हम इमोशनल इसको वो लें तो बच्चे ही सबसे बड़ी चीज़ होते हैं जो अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि भाई रेड लाइट पे रुकना ही चाहिए, जेब्रा लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, हमें स्लो चलाना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, तो वो पेरेंट्स ज़रूर फॉलो करेंगे। ये हमारा एक मैसेज बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स को देने का भी था कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ट्रैफिक रोलो फूल करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए। ये फ्यूचर जनरलाइज ग्रुप ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये एक अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ है जो बच्चों की सेफ्टी ट्रैवलिंग के लिए है। और बता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको ये खड़े होकर उनको बताते हैं, समझा रहे हैं किस तरह से हेलमेट पहनना है। आपने कोई गाड़ी में आ रहे बच्चे, पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको भी बताते हैं कि आपने बेल्ट लगानी है, तो ट्रैफिक रूल्स में सिग्नल्स के ऊपर कैसे खड़े होना है, कौन रेड लाइट पर क्या करना है, ग्रीन लाइट पर क्या करना है, येलो लाइट पर क्या करना है। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सुबह के लगे हुए हैं, हर आने जाने वालों को रोकते हैं और उनको समझाते हैं सारा। हाँ, हमारी तरफ से ये पूरी सपोर्ट चल रही है इनको। बच्चे भी आ रहे हैं बाहर, उनको बुला रहे हैं, बार बार यहाँ आते हैं बच्चे, ग्रुप में आ रहे हैं, उनको ये इस रूल्स के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने क्विज टेस्ट भी उनका लिया है और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं बच्चों को। तो बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को और अपना अच्छा काम कर रहे हैं।